नमस्कार, मैं हूं स्वाति और आज हम बात करेंगे एक ऐसे कलाकार की जो सही मायनों में ऑलराउंडर रहा। जी हाँ, बात हो रही है किशोर कुमार की, जिनका आज जन्मदिन है। वैसे तो इनका पूरा नाम आभास कुमार गांगुली था, पर फिल्मों में आए तो बन गए किशोर कुमार, जिन्हें आज हम प्यार से किशोर दा भी कहते हैं। बात करें किशोरदा के परिवार की, तो इनके पिता पेशे से वकील हुआ करते थे और माँ गौरी देवी एक बहुत ही संभ्रांत बंगाली परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। चार भाई बहनों में किशोर सबसे छोटे थे। किशोरदा का एक किस्सा बहुत मशहूर है जो खुद दादा मुनि ने साझा किया था, जिसमें बताया जाता है कि बचपन में उनकी आवाज़ बहुत ख़राब थी और उसी बीच उनकी उंगली कट जाने पर वो डॉक्टर के यहाँ पहुँचे। दवा लगने की वजह से कई दिनों तक ज़ोर ज़ोर से रोते रहे किशोरदा, जिससे उनका गला साफ हो गया। वो ये भी बताते हैं कि किशोर हमेशा अपनी लाइंस भूल जाया करते थे और कभी कभी लाइन भूल जाने की एक्टिंग भी करते थे। ये भी बताया जाता है कि एक्टिंग में किशोर कुमार का कोई रुझान नहीं था, पर उनके बड़े भाई अशोक कुमार के कहने पर उन्होंने एक्टिंग में अपना मन बनाया। किशोरदा कुंदनलाल सहगल को अपना गुरु मानते थे और शुरुआती दिनों में उन्हीं के अंदाज को भी अपनाए। किशोरदा के सिंगिंग करियर की शुरुआत जिंदी मूवी में प्लेबैक सिंगर के तौर पर हुई। किशोरदा ने सिर्फ सिंगिंग ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र को अपनी रोशनी से दमकाया, जिसमें सिंगिंग, एक्टिंग, म्यूजिक डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर और कॉमेडी शामिल हैं। वैसे तो गाने इन्होंने बहुतों के साथ गाए हैं, पर इनको निखार SD बर्मन और राजेश खन्ना ने दी, जिनके साथ इनकी जोड़ी कमाल की रही। वहीं कॉमेडी की बात करें तो हाफ टिकट मूवी आज भी लोगों को गुदगुदा रही है। एक महिला रिपोर्टर को इंटरव्यू देते वक्त इन्होंने बोला था कि गार्डन में मौजूद पेड़ मेरे दोस्त हैं, मैंने इनके नाम भी रख रखे हैं, जिस पर उस रिपोर्टर ने अपनी न्यूज़ में उन्हें पागल कहा, जिस पर किशोरदा ने कहा, दुनिया कहती है पागल और मैं कहता हूँ दुनिया पागल। एक वक्त ऐसा आया जब हर तरफ किशोर ही किशोर थे। उस वक्त किशोरदा ने यह कहा कि ये वही इंडस्ट्री है जो मुझे कभी सिंगर नहीं मानती थी और आज मुझे महान मान रही है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री इनके किस्से कहानियों से भरी हुई है। ऐसे जिंदा दिल शख्स को उनके जन्मदिन पर CN24 की पूरी टीम की ओर से एक छोटी सी ट्रिब्यूट। रहे हैं CN24।